अपनी स्किन को सुपर वाइट, ब्राइट और ग्लोई स्किन बनाना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स राइस फेशियल को आपने हरगिज़ मिस नहीं करना है। इस राइस फेशियल को आपने घर में लाजमी ट्राई करना है। ये राइस फेशियल ना सिर्फ आपकी स्किन को ग्लास स्किन में कन्वर्ट करेगा बल्कि आपके फेस पे जितनी भी पिगमेंटेशन है उसको रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट्स रिमूव करेगा, आपकी स्किन को सन टैनिंग से बचाएगा, आपकी स्किन से साइंस ऑफ एजिंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और आपको ग्लास स्किन इफेक्ट देगा। ये राइस फेशियल कोरियन और जापानीज की स्किन का सीक्रेट है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में सुपर वाइट एंड ब्राइट राइस फेशियल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो उसके लिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 4 स्टेप्स का ये फेशियल है, तो स्टेप नंबर 1 जो है वो है क्लिनजिंग का। आपने सबसे पहले मोस्ट पावरफुल क्लेंजर तैयार करना है। उसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच राइस के, 2 चम्मच आपने कच्चे चावल के लेने हैं और उनको आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद उसमें पानी डाल के आपने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अच्छे तरीके से इनको सोक करें और उसके बाद आप यही पानी अपनी क्लिनजिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये मोस्ट पावरफुल वाटर है जो कि आपकी स्किन से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करेगा, आपकी स्किन को ग्लास स्किन की तरफ लेके जाएगा। राइस वाटर के इतने बेनिफिट्स हैं, अगर आप इसको गूगल करके देखें तो आपको हज़ारों बेनिफिट्स खुल के आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन की क्लिनजिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी टैन हो चुकी है मेरी स्किन, क्योंकि ईद के दिनों में घूम घूम के तो मेरी स्किन का ये बुरा हाल हो चुका है। कोई भी स्किन केयर मैंने नहीं की, लेकिन आज मैं इसके लाइव रिजल्ट आपको शो करवाऊंगी। इसी फेशियल में आप मेरी स्किन का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज होता हुआ देखेंगे अपनी आंखों से। आपने एक रुई का बॉल ले लेना है और वही जो चावल का पानी है आपने अपने फेस पे रुई के बॉल की मदद से अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे ये अप्लाई हो रहा है आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन का जो टेक्सचर है वो टोटली चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो 4 से 5 मिनट क्लिनजिंग करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हम तैयार करेंगे स्क्रबिंग का। उसके लिए आपने लेना है 1 चम्मच चावल का पाउडर और उसमें आपने ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। मार्केट वाला है तो वो यूज़ कर लें, अदरवाइज आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिला लें। ये मोस्ट पावरफुल स्क्रब है जो कि आपके पोर्स को क्लीन करेगा, आपकी स्किन से जितनी भी गंद, मैल, कुचैल है वो सब रिमूव कर देगा। आपकी स्किन पे जो डेड लेयर जमी हुई है उसको रिमूव करके आपकी स्किन की ओरिजिनल ब्यूटी को ये रिवील करेगा, ओरिजिनल कलर को ये रिवील करेगा। इतना पावरफुल है ये राइस स्क्रब। आप जानते हैं कि जो चावल है वो हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा इफेक्टिव है। चावल का पानी या फिर चावलों का पाउडर वगैरह वो सब हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा जादुई काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी स्किन पे इस स्क्रब को अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ और इसके मैजिकल रिजल्ट्स आपने देखने हैं। लाइव रिजल्ट्स इस फेशियल में आपको शो करवाऊंगी। मेरी स्किन का जो टेक्स्चर है वो आप चेंज होता हुआ देखेंगे, मेरी स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन आप चेंज होता हुआ देखेंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ आ सकें। यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से अपने फेस पे स्क्रबिंग स्टार्ट कर देनी है। जेंटली जेंटली अपने हाथों की मदद से आपने स्क्रबिंग स्टार्ट करनी है। तकरीबन 8 से 10 मिनट यहाँ पे आपने स्क्रबिंग करनी है ताकि जितनी भी मैल कुचैल है आपके फेस से रिमूव हो जाए, डेड लेयर रिमूव हो जाए और आपको सुपर वाइट और ब्राइट स्किन मिले। ये राइस स्क्रब ना सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करेगा बल्कि आपके साइंस ऑफ एजिंग को भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा और सिर्फ 1 यूज़ में आप इसके लाइव रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आप मेरे फेस पे जो ग्लो उठ रहा है वो चेक कर सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई हो चुकी है। तो यहाँ पे ये स्टेप नंबर 2 है वो कम्प्लीट हो चुका है स्क्रबिंग का। आपने अच्छे तरीके से ये स्टेप को भी कम्प्लीट करना है ताकि आपको भी मैजिकल और इंस्टेंट रिजल्ट मिल सके। अब स्टेप नंबर 3 है मसाज का। तो आपने मसाजिंग क्रीम तैयार करनी है। उसके लिए आपने सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट लेना है गेहूं का आटा जो हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जी हाँ, ये वही आटा है, वही आपने लेना है 1 चम्मच और उसका 1/2 चम्मच आपने लेना है चावल का आटा और फिर आपने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच के करीब शहद। शहद अगर आपकी स्किन पे सूट करता है तो हर रेमेडी में इसको यूज़ किया करें, बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं शहद की वजह से। उसके बाद आपने लेना है रोगन बादाम, तकरीबन 1 चम्मच के करीब
करीब इसमें जाएगा रोगने बादाम, क्योंकि चावलों से हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, लेकिन मसाजिंग के स्टेप में ये रोगने बादाम और इसके अलावा ये शहद हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देगा। खास तौर पर जो ड्राई स्किन वाले हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वाला फेशियल। उसके बाद आपने कच्चा दूध इसमें ऐड करके तो इसका एक फाइन सा स्मूथ सा बटरी सा पेस्ट तैयार कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सी क्रीमी टाइप ये पेस्ट होगा जो कि आपकी स्किन पे स्टे करके आपकी स्किन को 100% रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पे इसके भी मैजिकल रिजल्ट्स आपने चेक करने हैं कि मेरी जो स्किन है वो किस कदर ग्लोई हो जाएगी, बिल्कुल वाइट और ब्राइट हो जाएगी सिर्फ वन यूज़ में। अब इसकी एप्लीकेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है, ख़ास तौर पे आपके फेस के वो एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं एक्नी से, पिगमेंटेशन से, डार्क स्पॉट्स से, उन एरियाज़ को आपने ज़्यादा हिट करना है इस मसाजिंग के स्टेप में। अच्छे तरीके से ऑल ओवर द फेस आपने ये पेस्ट अप्लाई कर लेना है। जितना आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, जितनी आप इसकी अच्छे तरीके से मसाज करेंगे, उतने ही आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको अप्लाई करके आपने इसकी पानी के साथ मसाजिंग स्टार्ट कर देनी है, अपने हाथों को आपने वेट करना है और उसके बाद जेंटली जेंटली आपने अपने फेस पे मसाजिंग करनी है। जितने भी आपको फेशियल स्टेप्स आते हैं आप कर डालें, जितने भी मसाजिंग स्टेप्स आपको आते हैं आप लाजमी करें, टूटे फूटे जैसे भी आते हैं आपने उनको करना है, और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें और इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जैसे कि मुझे मिले हैं। आई होप इसके शॉकिंग रिजल्ट्स देख के आप भी हैप्पी हो रहे होंगे कि कोई तो चीज़ आपको मिली है जो वाकई ही वर्क करती है। आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी महंगे बोटॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के अपनी स्किन को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, इस तरह से उसका बेहतर तौर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं तैयार करने जा रही हूँ वो है मास्क। उसके लिए आपने लेना है 1 चम्मच कॉफ़ी का और 1 चम्मच ही आपने लेना है चावल का पाउडर। उसके बाद आपने उसमें वो वाला पानी ऐड करना है जिसमें हमने चावल को भिगो के रखा था, वो वाला पानी या फिर राइस वाटर आप इसमें ऐड कर लें और इसका आपने इस तरीके का कुछ पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक नहीं रखनी, थोड़ा सा रनी फॉर्म में आपने रखना है ताकि अच्छे तरीके से आपके फेस पर लगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को फ़ायदा पहुंचाए। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से ये मास्क तैयार करना है और इस तरीके से अपने फेस पे इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। वो एरियाज जो कि आपके ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा टैन हो चुके हैं सूरज की शुआओं की वजह से, क्योंकि गर्मी का मौसम है और धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है तो हमारी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैन हो जाती है। उन एरियाज़ को आपने ज़्यादा हिट करना है और जो मटेरियल बच जाए उसको आपने हरगिज़ वेस्ट नहीं करना, अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके सुपर रिजल्ट्स आपको हैंड्स पे भी मिलेंगे और यहाँ पे मैं इसके हैंड्स पे भी आपको लाइव रिजल्ट्स शो करवाऊंगी कि कितने अमेजिंग इसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं। सिर्फ एक अकेले मास्क के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है तो ये पूरे फेशियल के आप खुद सोचेंगे कितने अमेजिंग रिजल्ट होंगे। मेरा जो हैंड है वो एक्स्ट्रा शाइनी हो चुका है, एक्स्ट्रा ग्लोई हो चुका है, यहाँ पे आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। जब आप देखें कि ये मास्क जो है 7 से 8 मिनट हो चुके हैं लगे हुए, तो आपने इसको जेंटली स्क्रबिंग करके रिमूव करना है। जेंटली जेंटली आपने स्क्रबिंग करनी है, बहुत ज़्यादा हार्श हैंड आपने अप्लाई नहीं करने, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। इतने आपको ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे इस मास्क के, इस फेशियल के। यहाँ पे आप मेरी स्किन चेक कर सकते हैं और मेरी खुशी भी चेक कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हुई हूँ इसके शॉकिंग रिजल्ट्स देख के। इंस्टेंट इस फेशियल ने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं क्योंकि राइस एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है। जब आप ये फेशियल कर लें तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लगेगी, तो आपने कोई भी ऑयल लेना है, ऑलिव ऑयल ले लें या फिर कोकोनट ऑयल ले लें और उसको आपने अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, अच्छे तरीके से मसाज कर लेनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लाजमी फेशियल आपने घर में ट्राई करना है। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो यहाँ पे आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अच्छा सा कमेंट भी करना है। फिर आऊँगी अच्छी सी वीडियो के साथ। मुझे दे इजाज़त। स्टे हैप्पी।